सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जजमेंट दिया है जो स्वतः ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो कानून बना सके, और कानून को अपने तरीके से जिस तरह से परिभाषित किया है वो गलत है। ये भारतीय न्यायपालिका की मनवादी नीति का सोचा समझा एक उदाहरण है। ऐसे जजेस के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट किए हुए काम के तहत इम्पीचमेंट मोशन आना चाहिए। ये सदन से मैं निवेदन करता हूं, ये प्रस्ताव यहां से पास होना चाहिए। दूसरा, आज न्यायपालिका ने जो काम किया है संविधान के विरोध में किया है, और संविधान हमें आरक्षण देता है, उसके आधार पर हमारे लोग मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, एमएलए बनते हैं, अपना प्रतिनिधित्व देते हैं, और उसकी वकालत अभी जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं वो भी संविधान की समीक्षा के समय में बहुत बढ़ चढ़ के बीजेपी के साथ में वकालत करते रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन अब हो रहा है और राष्ट्रपति वो स्वयं है। उनसे तो मैं निवेदन नहीं कर सकता कि वो रिजाइन दें, लेकिन मैं चुनी हुई किसी सीट से एमएलए एमपी को भी ये रिजाइन नहीं कर रहा, लेकिन इस मंच पर बहुजन समन्वय के तरफ से एक प्रस्ताव पारित कराना चाहता हूं कि भाई थावरचंद गहलोत जी, भाई रामविलास पासवान जी, भाई रामदास अठावले जी, अर्जुन मेघवाल जी और जितने भी अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के मिनिस्टर्स बने हुए हैं, नामित पदाधिकारी बने हुए, नामित जिन्हें चुन लिया नहीं जाता है, उन्हें सिर्फ नाम दे दिया जाता है कि ये फलाना मंत्री, ये फलाना, ये उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर वो संविधान में आस्था रखते हैं और समाज की लड़ाई लड़ने में सच में वो अपने आप को कहते हैं कि हमने अनुसूचित जाति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस न्याय के अगेंस्ट में आप अपने मंत्री पद से रिजिग्नेशन देने का संकल्प लीजिए। समाज उनसे ये मांग करता है। आज संविधान को बचाने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम कितना भी यहां से प्रयत्न कर लें, लोकसभा में अगर कोई सांकेतिक दबाव बनाया जा सकता है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति बना सकता है, वो है रामविलास पासवान, थावरचंद गहलोत और अठावले और अर्जुन मेघवाल। इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि भारत के संविधान को बचाने और भारत के जिन्हें आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, मैं दलित कहना पसंद नहीं करता हूं, ये लोगों को, बहुजन के लोगों के अधिकारों को, भारत के भविष्य को, भारत के नौजवान को अच्छी तरह इज्जत से जीने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वो कुछ न करे। मैं नहीं कह रहा कि वो मेंबर पार्लियामेंट से रिजाइन दे दें, क्योंकि मुझे पता है उसे ये चुनाव होता है और चुनाव में वो नहीं जीत के आ सकते, ये अच्छी तरह पता है, इसलिए मंत्री पद को छोड़ दें। आज देश की जनता और नौजवान उनसे ये उम्मीद करता है, अगर उन्हें जरा भी शर्म है तो हम ये मांग करते हैं इस मंच से। बस मैं अपनी बात, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। वक्त की जरूरत है। रामविलास पासवान, थावरचंद गहलोत, ये तुम्हारी सबसे बड़ी असफलता है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गद्दारी साबित होगी कि उस सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में आप तब तैयार नहीं हुए जब सत्ता में आप सब कुछ कर सकते थे। इन्हीं सब बातों के बीच में धन्यवाद जय भीम।